So you order something online and cash on delivery. You know the concept of cash on delivery, which is in Pakistan. I'm talking about Pakistan. So, you know, very interesting or creative fraud which is going on. Many people have told me. You have ordered something online, and that thing is coming. Let's say today is Wednesday, Thursday, whatever. उस पर्टिकुलर दिन आनी है तो इंसान का दिमाग बना हुआ होता है कि हाँ जी आज कोई शख्स आएगा द डिलीवरी बॉय और मुझे उसको 8,000 या 16,000 या वट एवर द अमाउंट इज वो मुझे उसको देना है और मैंने कोई चीज़ ऐसी मंगवाई है बिल्कुल उसी तरह हुआ टाइम पे एक बंदा आया नॉक किया और आपसे कहा जी ये आपका सामान आ गया विच यू हैव ऑर्डर्ड कैश ऑन डिलीवरी और अब आप वो अमाउंट मुझे दे दें अच्छा लोग क्या करते हैं अमूमन वैसे तो इंसान का जब दिमाग बना हो तो वो तो इतना सोचता ही नहीं है उसको तो पता होता है आज पहले से ही दिमाग बना हुआ है कि आई हैव टू पे दिस अमाउंट वो अमाउंट देता है और चीज़ ले लेता है या फिर कुछ लोग अपने चौकीदार को ही बोल के रखते हैं कि यार ये पैसे रखो बंदा आएगा 8-10 हज़ार रुपये जो हो गए उसको दे देना कभी कभार अभी जैसे मैं आज सुबह अपने भाई से बात कर रहा था उसने कहा मैंने भी कल इस तरह ऑर्डर किया हुआ था और मैं जिम में था तो बोला मुझे जिम में आएगा और कॉल फ्रॉम द फैमिली कि भाई कोई चीज़ें आई हुई हैं क्या पैसे देने तो उसने एक्सरसाइज कर दी उसने कहा हाँ हाँ वो चीज़ें आनी दे दो ठीक है अच्छा अब हुआ क्या जी अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि होता किस तरह है नॉर्मल सही है ना आपने अपने चौकीदार से या जो भी आपने ख़ुद वो रिसीव कर लिया पार्सल और आपने पैसे दे दिए जब आपने घर में आके वो पार्सल खोला तो उसमें कोई पुराना फटे हुए कपड़े थे या कोई पुरानी जीन्स निकल आई जैसे कुछ लोगों के पास ऐसा हुआ आप बड़े परेशान हुए यार मैंने पैसे भी दे दिए और ये क्या चीज़ है उसके अंदर 10 मिनट बाद फिर टिंग डोंग बेल बजी आपने फिर दरवाज़ा खोला एक शख्स आया सर ये आपका पार्सल आया एंड नाउ दिस गाय ही इज़ द जेन्युइन गाय उससे आपने आपका आपने पार्सल लिया उसको पेमेंट किया जाए अब जो कुछ भी है और उसके अंदर वो जेन्युइन प्रोडक्ट निकले अब सवाल आपके साथ तो हो गया बहुत बड़ा फ्रॉड भाई ठीक है ना आपको 2 दफ़ा पेमेंट करनी पड़ी और आपको 1 दफ़ा प्रोडक्ट मिली लेकिन सवाल ये है कि ये फ्रॉड किया किसने इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि डिलीवरी बॉय वो मिला हुआ हो सही है ना उसने अपने दूसरे पप्पू को बोला कि हाँ भाई इस घर पर मुझे जाना है लेकिन मुझे अभी जाना है तू पहले चला जा 10 मिनट बाद मैं चला जाऊँगा तो एक तो ये हो सकता है कि ये आपस में पप्पू मिला हुआ हो दूसरा ये हो सकता है कि जो ब्रांड जिससे आपने बाय किया है हु नोस उसकी मैनेजमेंट मिली हुई हो क्योंकि उसको तो पता होगा ना कि भाई ये ऑर्डर आया और ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड डिलीवरी आफ्टर 3 डेज़ है तो हो सकता है उनका कोई अकाउंटेंट है कोई सेल्स का बंदा है ये पॉसिबिलिटी भाई कहीं से तो बात लीक हुई है तभी आपके पास राइट वो प्रोडक्ट आई है सही है ना ऐसा तो नहीं कि आपने आईफोन मंगाया था आपने बकाया था प्रॉपर एक प्रोडक्ट मंगाई थी तो अगर मैं आईफोन एक्सपेक्ट करता हूँ तो मैं इस किस्म का बॉक्स एक्सपेक्ट करता हूँ लेकिन व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग कोई ऐसा ब्रांड जिससे मैंने कोई कमीज शलवार या कोई और चीज़ें क्लोथिंग वगैरह मंगाई है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें इसका मतलब ये फ्रॉड अच्छा ये बहुत से लोगों ने बताया भी कि इस तरह फ्रॉड हो रहा है अब करें क्या नाउ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो कि हमेशा होती है एक तरीका तो ये है कि भाई जब भी आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट आया ना व्हेन इट्स अबाउट कैश ऑन डिलीवरी आपके पास जो बंदा आया आप उसको बोले हाँ भाई 1 मिनट रखो लेट मी ओपन दिस एंड देन आई विल पे यू जब मैंने ये बात अपने भाई को बताई उसने कहा भाई इस तरह भी होता है कि अगर आप अब ये पाकिस्तान का सिस्टम है मैंने कभी वहाँ कैश ऑन डिलीवरी वाला काम किया नहीं मुझे नहीं पता आई डोंट नो उसने मुझे कहा कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ खोल दी तो इट्स नॉट गोइंग टू बी रिटर्न मैं आपसे ही नहीं कह रहा कि आप वो अंदर से प्रोडक्ट खोल दें लेकिन कम से कम वो बड़ा बॉक्स जो होता होगा उसको खोल के तो देखें कि क्या है भाई अंदर पुरानी जीन्स है या अंदर जो ब्रांड मैंने ऑर्डर किया था वो मौजूद है अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है यानी ये खोलने का भी ऑप्शन नहीं हो पप्पू बिल्कुल आपको मना कर रहा है कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल तो फिर आपको बाकायदा ये करना चाहिए कि आप पूरा ऑडिट करें उसका कि उसको बोले भाई 1 मिनट रखो मुझे कॉल करने दो या अगर कोई ट्रैकिंग नंबर होता है मुझे नहीं पता कि किस तरह वो सिस्टम है ये ऑडिट आपको करना है मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आपने कॉल करनी है कोई ट्रैकिंग नंबर है वो देखना है इस बंदे का नाम पूछना है कि हाँ भाई ये क्या ये यही प्रोडक्ट आई है मेरे पास यानी आप उस ब्रांड को या जो भी आपका कम्युनिकेशन चैनल है अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो होना चाहिए बिकॉज व्हेन यू ऑर्डरिंग इट ऑनलाइन इट मींस यू आर अ स्मार्टफोन यूज़र तो आप उस स्मार्टफोन से एटलीस्ट टेक द पिक्चर ऑफ दैट गाय सही है ना कि हाँ भाई ये बंदा आया था हमारे घर पे और ये फलानी चीज़ करके गया ताकि अगर कोई इस किस्म का फ्रॉड हो वैसे होना तो ये चाहिए कि आप उस बॉक्स को खोल के देखें अगर इस किस्म का सिस्टम है और अगर नहीं कर सकते तो बखद आप थोड़ी देर सब्र करें देखिए बहुत सारी चीज़ों में यही मसला हो जाता है कि लोग आपको टाइम प्रेशर देते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी से पैसे निकालो बोलो नहीं टाइम प्रेशर ना दो सही है ना टाइम प्रेशर ना दो ईजी हो जाओ और बाकायदा पहले आप अपनी तसल्ली करें अपना ऑडिट करें जिसको कॉल करनी हो करें कोई नहीं भागे जा रहा मैं तो जब पाकिस्तान आया था मैंने आपसे कहा था ना सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास टाइम ही तो है तो वो टाइम अच्छे काम के लिए यूज़ कर लें अपने आप को सेव करने के लिए और अगर मैंने अभी आपसे कहा ना कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता तो उसका कोई NIC या अगर वो भी हो नहीं देता तो एक पिक्चर तो ज़रूर ले लें ताकि कुछ ना कुछ तो आई अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट मैं ये नहीं चाहता कि कोई इस मेरी वीडियो से कोई ट्रस्ट जो है वो डिमोलिश हो क्योंकि ऑनलाइन और इस तरह की चीज़ों के लिए ट्रस्ट चाहिए होता है एंड आई मैंने अभी आपसे कहा आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू डैमेज द ट्रस्ट
लेकिन आई डोंट लाइक दिस बुलशिटिंग, कि मैं ये भी नहीं चाहता कि लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हों. तो बी सेफ एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू.